नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकासखंड संग्रामपुर में ब्लॉक स्तरीय नंद बाबा पुरस्कार का किया गया कार्यक्रम। बड़ी खबर जनपद अमेठी के ब्लॉक संग्रामपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा ठेंगहा का है। आपको बताते चले कि ठेंगहा ग्राम सभा में नंद बाबा पुरस्कार का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमेठी की विधायिका महारानी गरिमा सिंह रही। उनके हाथों दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी करने एवं किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए चार दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों को नंद बाबा पुरस्कार गरिमा सिंह के हाथों से देखकर सम्मानित किया गया और बताया गया कि ये पुरस्कार उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो किसान 1500 लीटर देसी गाय का दूध सरकारी समिति के माध्यम से देता है। इस कार्यक्रम में पूनम देवी, पत्नी गया प्रसाद, ललित कुमार मौर्य, पुत्र माता प्रसाद, राम नायक बरनवाल, पुत्र सियाराम, ओम प्रकाश ओझा, पुत्र राम प्रताप ओझा को नंद बाबा को प्रतीक चिन्ह के साथ 5100 रुपए की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दुग्ध संघ अयोध्या परिक्षेत्र सुल्तानपुर के स्थानीय प्रभारी सुनील सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायिका गरिमा सिंह पराग, दुग्ध संघ के DDO प्रधान प्रबंधक, पूर्व अधिकारी कमलेश सिंह, SK सिंह, अजीत सिंह व शीतलागंज रामगढ़ बालीपुर के BSC संचालक और दुग्ध समिति सहायक एवं दुग्ध किसान की मौजूदगी दर्ज की गई। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। जागृतियाँ होंगी और जहाँ पे ग्वाल बाल का वितरण कर रहे होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी अभी अभी आपने मनाया है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण लीला भी आप जानते हैं, मैं जानते हैं, जिन्होंने कैसे माखन चुराया, कैसे मैया से चाट पड़ी और कैसे उनको बांधा गया। इसी तरह से वो गांव, ब्रिज का एरिया पूरा दूध दही घी मक्खन से समृद्ध था और पूरे देश में, पूरे ब्रिज में दूध दही घी मक्खन का गंगा बहती थी। इसी के सापेक्ष हम कहना चाहेंगे कि आज भी हम उसी तरह प्रयत्न कर सकते हैं और अपने पास गायों को रख सकते हैं। देशी गाय की अधिक महत्व है। देशी गाय के दूध के लिए आजकल सरकार बहुत से कार्यक्रम चला रही है, तो आप लोग भी देशी गाय पालने का प्रयत्न करें और उनकी सेवा करें तथा आपके लिए सरकार ने इतने पुरस्कार रख दिए हैं, आप वो पुरस्कार मेहनत के साथ ले सकते हैं। परिश्रम करने के बाद आपको फल अवश्य मिलेगा। इसी के साथ मैं ज्यादा ना कुछ बोलते हुए समय के अभाव के कारण आगे भी जाना है और आपका ये जो शिक्षक दिवस है इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आज विकासखंड संग्रामपुर के ठेंगहा में किया गया है? आज राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास विभाग के अंतर्गत गौ वंश पालकों को, जिन्होंने 1500 लीटर से ज़्यादा दूध अपने अपने ब्लॉक में दिया है, उनको सम्मानित करने का, उसमें जो सबसे ज़्यादा दूध दिया अपने ब्लॉक में उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया है। इस पुरस्कार का नाम नंद बाबा पुरस्कार है। ये उन्हीं को दिया जाता है जो देसी गायों का संवर्धन करके उनके दूध का उत्पादन करते हैं। करीब कितने लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया गया? इसमें 4 ब्लॉक के लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिन 4 ब्लॉक में आए हैं। एक्चुअली इसकी जो पात्रता होती है वो न्यूनतम अप्रैल से लेकर नवंबर माह तक में जो लोग 1500 लीटर या उससे ज़्यादा दूध अपनी समिति को प्रदान करते हैं, देते हैं, उनमें से चयनित करके जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाले थे उनको चयनित किया जाता है। उसके अंतर्गत सिर्फ 4 ब्लॉक में ही ऐसे लोग आ पाए हैं जिन्होंने 1500 लीटर दूध की सीमा को पार किया, पात्रता को पार किया है, उनमें से उनको चयनित करके उनका पुरस्कार वितरित किया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।